आज हम निकालने जा रहे हैं बेस्ट में से टेस्ट। तो उसके लिए हमने जो घर में नींबू निचोड़ने के बाद छिलके बचती हैं उसमें से आज हम एक बेहद लाजवाब टेस्टी अचार तैयार करेंगे। तो कैसे करेंगे ये जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनू बाला में। तो इससे पहले जो हमने बिल्कुल सूर्यतापी विधि से विदाउट केमिकल विदाउट शुगर विदाउट गैस नींबू का शरबत बनाया था, तो उसमें से जो बेस्ट निकली थी उससे एक स्वादिष्ट लाजवाब बड़ा चटपटा अचार तैयार करेंगे। जो नींबू लिए थे हमने शरबत के लिए, वो हमने क्या किया था, उसको पहले धोकर अच्छी तरह से कपड़े पर बिछा कर एक घंटा धूप में रख दिया था, गीले नहीं लेने हैं। फिर बाद में उसका सूखने के पश्चात उसका रस निकाला था। जब भी आप नींबू प्रयोग में लाएं काफ़ी मात्रा में, तो उसे धोकर धूप दिखा दें फिर प्रयोग में लाएं, तो उसके फ़ायदा हमें यह मिलता है कि वह छिलके हमारे काम आ जाते हैं। तो जो ही वह 300 ग्राम नींबू के छिलके हैं जिससे हमने शरबत तैयार किया था, तो उससे हम एक बिल्कुल स्वादिष्ट अचार बनाने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे कि ऐसे छिलके ले लेने हैं, उसके लिए हमने लिया एक कलछी चीनी, ये डाल देंगे हम इन नींबूओं में, ठीक है जी। तो आधा चम्मच लेनी है सौंफ का पाउडर, ये डाल दिया सौंफ पाउडर। तो ये दो टेबल स्पून मैंने लिया काला नमक, ये भी मिला देंगे इसमें अच्छी तरह से। तो ये मैंने लिया लाल मिर्च पाउडर, आप आधा से एक चम्मच तक ले सकती हैं, मैंने आधा लिया है, मेरे मुताबिक इतनी ठीक रहती है। आधा से थोड़ा कम लिया है हमने हल्दी पाउडर। अच्छा, जो मैंने पहले चार बताई है आपको नींबू में, नींबू के देखिए, ये देसी अजवाइन है, ये अदमोद है और खुरासानी अजवाइन, तीनों मिलाकर मैंने टोटल एक टीस्पून लिया है। तीनों अजवाइनों का मिक्सचर मैंने एक टीस्पून लिया है। ये लौंग और इलायची का पाउडर है, ये आधे से थोड़ा कम है क्योंकि हमारा मटेरियल बहुत कम है। अच्छा जी, ये है मेथी दाना, एक मेथी होती है जो हम आम के चार में डालते हैं, एक होता है मेथी दाना, इस प्रकार का रहता है ये, ठीक है जी। ये मैंने आधा चम्मच लेकर अच्छी तरह से क्रश कर लिया है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप पी सकते हैं। ये मैंने मिला दिया इसमें। अब ये काली मिर्च का पाउडर है आधा चम्मच, टीस्पून जो वाला हम घर में खाना खाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, ये भुना पीसा जीरा है एक टीस्पून, और ये सौंठ का पाउडर आधा टीस्पून, ये वाला चम्मच सारा ये मैंने इसी चम्मच का प्रयोग किया है। और ये रही हींग, ये मैंने पतंजलि की हींग ली है, ये कितनी लेंगे हम एक पिंच ऐसे, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, सभी चीज़ों को अच्छी प्रकार से इस प्रकार से मिलाना है कि एक जान हो जाए। तो फिर हमें इसे किसी भी कांच की बरनी में कंटेनर में भर देना है दबा दबा के, ऐसे मैं भर लूँगी। अब हमने क्या करना है, जब अपने आप जब नमक और चीनी को मिलाया तो ये पानी छोड़ देता है, अपने आप नीचे ही चला जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, या तो आप कोई ऐसा कपड़े का पीस ले लें पतला सा इस प्रकार से, या कोई पॉलीथीन ले लें इस प्रकार से और इसके मुंह पर बांध दें। और हमने क्या करना है, हर रोज़ सुबह इसे धूप में रखना है और शाम को उठाकर अंदर रख देना है। 10 दिन इसे हम धूप में रखेंगे, ये बिल्कुल खाने लायक टेस्टी और लाजवाब चटपटा अचार हमारा बिना किसी पैसे की वेस्ट में से तैयार हो जाएगा। हमने जो नींबू का शरबत बनाया था सूर्यतापी विधि से और उसका रस निकाल कर बनाया था नींबूओं का, तो जो उसके छिलके रह गए थे लेफ्ट ओवर, तो हमने उसका आपको एक अचार बनाया बताया था कि बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनता है, जो हमने बेस्ट में से टेस्ट निकाला था एक तरह से। तो वो अचार मैंने बताया था कि उसे आप कांच के किसी कंटेनर में डालकर 10
हफ्ता 10 दिन धूप में रख दीजिए। मसाले कौन कौन से मिलाने हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो उसे रखते हुए हमें 10-12 दिन हो गए हैं जो इस प्रकार का बना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार सा बना है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए मैंने 8-10 दिन रखा था, चीनी और नमक मिलने के कारण आपस में इसने पानी तो हमने निकाल लिया था रस के रूप में बाहर, तो ये इस प्रकार का तैयार हुआ है। अब अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। वैसे मैं हिला देती थी परंतु जो शीशी थी, बोतल थी, वह छोटी थी, तो अब हमने मैंने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा ये हमारा छिलकों से अचार बनकर रेडी हो गया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये पड़ा रहेगा और भी सॉफ्ट होता जाएगा। बस धूप में रखने से ये खराब नहीं हुआ है, इसलिए हमने रखा था। तो अब हम इस प्रकार से आप भी मेरे को फॉलो करते हुए नींबू के छिलकों को फेंकिए मत जब आप शरबत बनाएंगे। तो इस रेसिपी को अच्छी तरह वीडियो देखकर बना लीजिए, ये अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आता है, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी आ रही दुविधा के बारे में समाधान ले सकते हैं। तो दूसरी बात, अगर आपने कोई भी अचार, चटनी, शरबत, ढंडाई, आम का पन्ना वगैरह परचेज करना है तो हम ऑनलाइन सप्लाई भी करते हैं, तो आप हमारे से परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।